13 मुखी दी फरलों ते अंशुल छत्रपति दा वड्डा बयान वेखण नूं मिलिया। उन्हां कहा कि राम रहीम नूं जेल तों बाहर कढ़ना सरासर गलत है। राम रहीम दे खिलाफ हाई कोर्ट दे विच असीं पिटीशन दायर करांगे। वोटां दी गंदी राजनीति दे चलदियां 13 मुखी नूं राहत दित्ती गई है, यह कहना है अंशुल छत्रपति दा। जी हाँ, तुहानूं दस दईए अंशुल छत्रपति दे पिता रामचंद्र छत्रपति दा कतल होया सी। उस मामले दे विच गुरमीत राम रहीम मुलजम ते गुरमीत राम रहीम नूं जद फरलो मिली है तां अंशुल छत्रपति दा वड्डा बयान सामने आया। उन्हां कहा कि राम रहीम नूं जेल तों बाहर कढ़ना सरासर गलत है, असीं इस दे खिलाफ हाई कोर्ट तक जावांगे। डेरा प्रमुख को फरलो जो दी गई है हरियाणा सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये बिल्कुल इसकी मिली भगत का नतीजा है। पहले जितनी बार भी पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाई, हर बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है आप उसे उठा के देखिए कि हर बार सिरसा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि उसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है। इस बार थोड़ा सा इसको नया पैंतरा आजमाया गया और गुपचुप तरीके से उसे निकालने का एक ये सारा प्रपंच किया गया। 2017 में राम रहीम को सजा सुनाई गई तो उस वक्त क्या खेल हुआ, डेरा सच्चा सौदा ने कितनी हिंसा फैलाई। टाइमिंग जो है वो आप देखिए पैरोल की, यूपी और पंजाब में इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है, कुछ दिन बाद पोलिंग है और वोट बैंक जो है उसके लालच के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है इस तरह का खेल खेल रही है और हम लोग बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। चाहे हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े, हम इसके लिए एक एप्लीकेशन मूव करेंगे।